सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर आपको दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ये है सीरीज सर्किट का, और ये वाला जो है ये है पैरेलल का। तो इसमें हमें ज़्यादा कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें लगेगी 9 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद में 1 किलो ओम का रेजिस्टर, उसके बाद में 2 LED, D1 एंड D2, यानी कि LED नंबर 1 एंड LED नंबर 2। तो ये है सीरीज की सर्किट, उसके बाद में है पैरेलल की सर्किट। तो पैरेलल की सर्किट में भी हमें एक बैटरी जो कि 9 वोल्ट की है, उसके बाद में 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर, और उसके बाद में हमें चाहिए 2 LED, D1 एंड D2। तो आप लोगों ने सभी ने पहले सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का नाम सुना है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो काम कैसे करता है। जनरली हमारे घर में जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि फैन है, लाइट है, टीवी है, ये सभी ये पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो है वो सभी कंपोनेंट्स में एक जैसा ही जा रहा है। जैसे कि मान लो कि आपके घर में आ रहा है 240 वोल्ट, तो अगर पैरेलल में वो कनेक्शन रहेगा तो हमारे हर एक कंपोनेंट में, यानी कि फैन है, लाइट है, टीवी है, सभी में 240 जाएगा। लेकिन अगर सीरीज में वो कनेक्शन रहा तो पहले क्या होगा कि पहले अगर फैन लगाए तो उसमें 240 जाएगा, उसमें से वो जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद में आगे जाएगा लाइट में, यानी कि वहाँ पर पूरा वोल्टेज जाएगा नहीं। इसीलिए हमारा जो घर का कनेक्शन रहता है वो भी होता है पैरेलल में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा ये दोनों सर्किट में, कि यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी में से पॉजिटिव में से वोल्टेज बाहर निकलेगा, उसके बाद में जाएगा 1 किलो ओम के रेजिस्टर में। तो 1 किलो ओम के रेजिस्टर में वो वोल्टेज हो जाएगा ड्रॉप, उसके बाद में जाएगा वो D1 में, यानी कि वहां पर भी वो वोल्टेज का यूज हो गया। अभी जो बचा हुआ वोल्टेज है वो वहां से आगे जाकर दूसरी LED में जाएगा, और दूसरी LED में से जाएगा वो डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव में, यानी कि पहले ड्रॉप हो गया यानी कि वोल्टेज कम हो गया, उसके बाद में आया D1 में, वहां पर भी थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद में बचा हुआ जो वोल्टेज है वो आएगा D2 में, यानी कि ये जो D2 की LED है ये होगी ग्लो। ये दोनों ग्लो तो हो जाएगी, लेकिन पहली के हिसाब से दूसरी वाली जो LED है वो थोड़ी सी कम ग्लो होगी। वैसे ही जो पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव में से वोल्टेज बाहर निकलेगा, उसके बाद में जाएगा 1 किलो ओम के रेजिस्टर में, यानी कि यहाँ से सेम यहाँ का जैसा ही यहाँ पर भी है, कि 1 किलो ओम के वोल्टेज रेजिस्टर होने की वजह से वोल्टेज वहाँ पर ड्रॉप होगा यानी कि कम होगा। उसके बाद में यहाँ से ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन से वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो नीचे जाएगा और एक साइड में आएगा, लेकिन दोनों साइड में जाने वाला वोल्टेज सेम रहेगा, वो आधा आधा होगा नहीं। तो नीचे भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, यानी कि LED D1 वो भी ग्लो होगी और D2 ये भी ग्लो होगी, और वहां से वो वोल्टेज यह जंक्शन में से फिर से मिक्स होकर आएगा बैटरी के नेगेटिव में। यानी कि सीरीज के हिसाब से पैरेलल कनेक्शन बहुत अच्छा है। वो कैसे? क्योंकि दोनों LED में सेम वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वो LED में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो दूसरी में कम आ रहा है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में ऐसा रहेगा नहीं। तो यहाँ पर एकदम ये सिंपल सर्किट आपको दिखाई दे रही है। तो ये हो गई हमारी थियरी, अभी हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, कि हमें इसको ब्रेडबोर्ड पर कैसे बनाना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसका कंपोनेंट्स, कि कौन से कंपोनेंट्स इसको रिक्वायर्ड है। सो आइए देखते हैं वो कंपोनेंट्स। सो गाइस, यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले है ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में है 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर, उसके बाद में है 2 LED, जम्पर केबल्स, 9 वोल्ट बैटरी और बैटरी कैप। तो ये हो गए उसके सभी कंपोनेंट्स। अभी देखते हैं हम ये सर्किट के सर्किट कैसे बनानी है। यहाँ पर आपको दोनों सर्किट दिखाई दे रही है, सीरीज एंड पैरेलल। तो आइए अभी देखते हैं कि इसको ब्रेडबोर्ड पर माउंट कैसे करते हैं।
आपको सबसे पहले लेना है एक ब्रेडबोर्ड, बैटरी और बैटरी कैप। बैटरी कैप में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ब्लैक कनेक्शन एंड रेड कनेक्शन। ये रेड कनेक्शन है ये है पॉजिटिव और ब्लैक है नेगेटिव। तो इसको हमें सबसे पहले लगाना है रेड वाला। तो रेड वाला जो कनेक्शन है इसको हम लगाएंगे ए पार्ट के पहले वाले होल में। तो इसको हमने ऐसे लगा दिया है यहाँ पर ए पार्ट के पहले वाले होल में। और जो ब्लैक कनेक्शन है इसको हमें लगाना है डी पार्ट के पहले वाले होल में। तो अभी ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद में हम लगाते हैं 1 किलो ओम का रेजिस्टर। इसके दोनों टर्मिनल हमें करने हैं बेंड ऐसे। और इसका जो एक टर्मिनल है इसको हमें लगाना है ए पार्ट की लाइन में। और जो दूसरा वाला कनेक्शन है यानी कि दूसरा वाला जो पोर्ट है उसको हमें लगाना है बी पार्ट में। कहीं पर भी उसको आप ऐसा लगा सकते हैं ए पार्ट में और बी पार्ट के बीच में हमें रजिस्टर लगाना है। उसके बाद में हम लगाएंगे एक एलईडी। तो एलईडी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव है इसको हमें लगाना है बी पार्ट में रजिस्टर की वर्टिकल लाइन में, बी पार्ट में रजिस्टर के वर्टिकल लाइन में। और जो इसका नेगेटिव है इसको हमें लगाना है सी पार्ट में। तो इसको हम सी पार्ट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी एलईडी ऐसे लग गई। उसके बाद में हमें लगानी है दूसरी वाली एलईडी। तो दूसरी वाली एलईडी में भी सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो है इसको हम लगाएंगे पहली वाली एलईडी के नेगेटिव की लाइन में, पहली वाली एलईडी के नेगेटिव लाइन में। और दूसरा जो कनेक्शन है यानी कि नेगेटिव इसको हम लगाएंगे सी पार्ट में कहीं पर भी। इसको हम लगाएंगे सी पार्ट में कहीं पर भी। ओके, तो ऐसे कनेक्शन हो गया है। उसके बाद में हमें लेना है एक जम्पर केबल। जम्पर केबल का जो एक टर्मिनल है उसको हम लगाएंगे दूसरी एलईडी की वर्टिकल लाइन में, दूसरी एलईडी की वर्टिकल लाइन में। और जो दूसरा कनेक्शन है इसको हम लगाएंगे डी पार्ट में जहाँ पर हमने नेगेटिव कनेक्शन किया है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एलईडी लाइट ऑन हो गई है, दोनों एलईडी हमारी ऑन हो गई है। ये डायरेक्ट इसलिए स्टार्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में कोई स्विच नहीं रखी है इसलिए। तो गाइस ये हो गई हमारी सीरीज की सर्किट। अभी हम आगे देखने वाले पैरेलल की सर्किट। तो आइए वो भी कनेक्शन देख लेते हैं कि पैरेलल कनेक्शन आपको कैसे बनाना है। सो पैरेलल कनेक्शन में भी आपको कैसे करना है कि सबसे पहले हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों का कनेक्शन ए पार्ट में और डी पार्ट में हमें लगा देना है। ये ए पार्ट में लगा दिया और ये हमारा हो गया डी पार्ट, ऐसे लगाना है। उसके बाद में वापिस जैसे सीरीज में हमने रेजिस्टर लगाया था वैसे ही पैरेलल में भी हमें सेम वैसे ही एक रेजिस्टर लगा देना है ए पार्ट में और बी पार्ट के बीच में। तो ये हमने लगा दिया। उसके बाद में हमें लगानी एक एलईडी। तो एलईडी का जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव को हम लगाएंगे रेजिस्टर की लाइन में यानी कि बी पार्ट में, और नेगेटिव को हम लगाएंगे सी पार्ट में। नेगेटिव को लगाएंगे हम सी पार्ट में। तो वो ऐसे लग गया है। अब हम इसके साथ पहले लगाएंगे जम्पर केबल। तो ये हमारी जो एलईडी लगाई है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की वर्टिकल लाइन में हमें लगाना है जम्पर केबल का एक टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल हमें लगाना है नेगेटिव में यानी कि डी पार्ट में नेगेटिव की लाइन में। तो ये हो गई हमारी एक एलईडी ऑन। अभी हमें दूसरी एलईडी लगानी है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये कनेक्शन निकाल देते हैं। तो पहले हम लगाएंगे दूसरी वाली एलईडी। तो दूसरी वाली एलईडी का जो पॉजिटिव है इसको हम बी पार्ट में ये रेजिस्टर के साथ ही लगाएंगे यानी कि रेजिस्टर की वर्टिकल लाइन में। और इसका जो दूसरा कनेक्शन है
यानी कि नेगेटिव एलईडी का, उसको हम बी पार्ट में साइड में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हमने दूसरी एलईडी भी इसके साथ ही डायरेक्ट लगा दी। अब हम लगाते हैं दूसरा जम्पर केबल। तो ये जो हमारा जम्पर केबल है, इसको हमें लगाना है हमारी जो दूसरी वाली एलईडी है उसके नेगेटिव की वर्टिकल लाइन में, उसके नेगेटिव की वर्टिकल लाइन में। और उसका दूसरा जो टर्मिनल है उसको हमें लगाना है नेगेटिव में, यानी कि डी पार्ट में। तो ये हो गया हमारा एक कनेक्शन और ये हो गया हमारा दूसरा कनेक्शन। सो गाइस, यहाँ पर हमारी हो गई पैरेलल की प्रैक्टिकल सर्किट, यानी कि ब्रेडबोर्ड पर उसको कैसे बनाना है ये भी आपने देख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सर्किट डायग्राम भी है और आपने ये भी सीखा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। सब देख सकते हैं ऐसा कनेक्शन हो गया हमारा। हमें दूसरी एलईडी का पॉजिटिव भी ये एलईडी और रेजिस्टर के एग्जैक्ट बीच में लगाना है, यानी कि एक कनेक्शन में से ही हमारा दोनों का कनेक्शन हो जाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।